यूपीएससी से जुड़ी हुई कर रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में जहां एक रैंक को लेकर दो नाम सामने आए, यूपीएससी का जब से रिजल्ट आया है उसमें दो नाम एक जैसे होने की वजह से दोनों दावा कर रहे हैं, तो यूपीएससी ने दो लोगों के दावे को फर्जी बताया है। सिविल सर्विस का एग्जाम जो कि भारत के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है, उन्हीं के दो एस्पिरेंट्स के खिलाफ यूपीएससी कमीशन ने सेक्शन 468 धोखा देना, सेक्शन 420 धोखा और झूठ बोलने के आरोप में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बट ऐसा क्यों? ये एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? इसकी सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 0.2% ही क्यों है? भारत में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बट जो एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं उनका नंबर हमेशा 1000 या फिर उसी से कम ही क्यों होता है? क्या हमें सच में इस एग्जाम को देना भी चाहिए या फिर नहीं? आज पूरे डेटा के साथ वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एस्पिरेंट्स का मतलब जो कैंडिडेट्स यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, उनको हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स बोलते हैं। ज्यादातर हम लोगों को पता होता है कि यूपीएससी क्या है, जिनको नहीं पता दो मिनट रुक जाओ। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसी कमीशन है जो कि हर साल अलग अलग सिविल सर्विसेज पोस्ट जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए ना एग्जाम कंडक्ट करती है। इस एग्जाम के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। दूसरा होता है मेंस, जिसमें आपके रिटन बेस्ड एग्जाम होता है 9 पेपर्स का, एक एसे का होता है, 4 आपके जनरल स्टडीज के होते हैं, 2 आपके लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। तीसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, किस तरीके से आप लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हो, वो चेक किया जाता है। अब हम वापस आते हैं आप अपने सवाल पर कि एस्पिरेंट्स को क्यों अरेस्ट किया गया है। अभी हाल ही फिलहाल में यूपीएससी कमीशन ने ना एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस किए थे, जिसमें दो कैंडिडेट्स जो कि मध्य प्रदेश से थी ना, दोनों ही क्लेम करती हैं कि उनका यूपीएससी में 184th रैंक आया, जिसमें से एक थी आयशा फातिमा देवस से, दूसरी थी आयशा मकरानी अलीराजपुर से। तो फिर इसके ऊपर यूपीएससी कमीशन थॉरन इन्वेस्टिगेशन करती है और उनके सामने ये तीन सबूत सामने आते हैं। पहला, आयशा फातिमा के एडमिट कार्ड पर ना यूपीएससी का वाटरमार्क था, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। वहीं पर आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं था, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक नॉर्मल पेपर है उसके ऊपर प्रिंट आउट निकाला गया है। दूसरा, एडमिट कार्ड पर ना एक क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन करके उस कैंडिडेट की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो क्यूआर कोड आयशा फातिमा के एडमिट कार्ड पर था, बट आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तीसरा, जिस दिन ये एग्जाम हुआ था वो दिन था ट्यूसडे और डेट था 25 अप्रैल। ये सेम चीज आयशा फातिमा के एडमिट कार्ड पर थी, बट आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड पर डेट सेम थी 25 अप्रैल, पर दिन था थर्सडे। तो इन सबूतों से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आयशा मकरानी झूठ बोल रही है। ये स्टोरी खत्म होने ही वाली थी कि पिक्चर में एक नया क्लाइमेक्स आ गया। वो क्या? वो ये कि दो तुषार कुमार, जिसमें से एक था हरियाणा से एक था बिहार से, दोनों क्लेम करते हैं कि उनका यूपीएससी में 44th रैंक आया। अब फिर से यूपीएससी कमीशन थॉरो इन्वेस्टिगेशन करती है और जो सबूत आयशा के केस में देखे गए वही सेम तुषार कुमार में भी देखे गए थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। आयशा मकरानी और तुषार कुमार जो कि हरियाणा से था, दोनों ये चीज भूल गए कि दोनों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है और प्रीलिम्स में ही फेल हो गए थे। तो ये चीज यूपीएससी ने पता लगा ली और दोनों का पर्दा फाश कर दिया। अगर ये कमीशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है तो ये एग्जाम कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, मतलब कितना ज्यादा मुश्किल। तो यहीं से शुरू होता है हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट। इसकी सक्सेस रेशो 0.2% ही क्यों होती है? आपको पता है ये सवाल ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में जितने भी एग्जाम हैं, जैसे आईटीज जाने के लिए JEE एडवांस का एग्जाम है, जो कैंडिडेट्स मेडिकल की तैयारी करते हैं उसके लिए नीट का एग्जाम देते हैं, वहां पर भी तो सिलेक्शन रेशो कम ही है। तो रियल सवाल ये बनता है कि कम कैंडिडेट्स को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है? उसका रियल कारण है वैकेंसीज। 2013 से लेकर यदि हम 2022 तक का डेटा देखें, वैकेंसीज नंबर कभी 1300 से इंक्रीज किया ही नहीं गया है, हमेशा वैकेंसीज कम ही होती हैं। जैसे कि हम 2022 की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 11 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने के लिए गए। अब फाइनल इंटरव्यू तक सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स ही बचते हैं और वैकेंसीज कितनी हैं? 1011। तो सवाल आता है कि सरकार फिर वैकेंसीज को बढ़ाते क्यों नहीं है?
तो इसके ऊपर हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट भी दी है, जिसमें उन्होंने बोला कि भारत में जितने IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं और IFS ऑफिसर्स हैं, काफी ज्यादा कम है। जितने सेलेक्ट होते हैं और जितनों की जरूरत है, वो रेशो कभी भी मैच नहीं करती। तो फिर सरकार इसके ऊपर काम करती क्यों नहीं है? तो इसके ऊपर पार्लियामेंट में अलग अलग सरकार अपना अलग अलग ओपिनियन देती है, जिसमें से ये तीन रीजन काफी ज्यादा कॉमन है। पहला कारण तो ये बताया जाता है कि एक बार में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बैच में ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा सकता है वो सिर्फ 180 है, स्पेशली IAS ऑफिसर्स। जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको ट्रेन किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पर कैपेसिटी 180 ऑफिसर्स की है। दूसरा कारण, यदि लिमिट से ज़्यादा ऑफिसर्स को हायर किया जाता है तो इससे सरकार को क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो उनकी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ना हुई, यदि वो ऑनेस्ट ना हुए, मान लो बाद में वो गलत तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ करने लगे, तो इससे सरकार को ही हर एक चीज़ सुननी होगी और हर एक चीज़ पर रिएक्ट करना होगा। आप इन बातों से कितना ज़्यादा सहमत हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं वो किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर घर पर बैठकर ऑनलाइन वीडियोस देखकर कोर्सेज को ज्वाइन कर पढ़ते हैं। तो यहीं से शुरू होता है हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट। आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गली होगी, कोई ऐसा चौराहा होगा या फिर कोई ऐसा हाईवे होगा जहाँ पर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने अपने बैनर्स ना लगाए हों। बैनर्स ऐसे लगाते हैं और उस पर बच्चों के नाम ऐसे छापते हैं जैसे यही एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपका बच्चा रैंक ला सकता है। घर पर बैठकर नहीं तैयारी होने वाली, यहीं पर लग जाओ तो देखना कि आपके कितने रैंक्स आते हैं। पहले अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में तो पक्का ही हो जाएगा। इसी के चक्कर में काफ़ी सारे पेरेंट्स और काफ़ी सारे बच्चे कन्विंस होकर इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। तो यहीं से शुरू होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया। आज कोचिंग इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो 3000 करोड़ हो चुकी है। पहले जो कि इंस्टीट्यूट एक दो हुआ करते थे, आज के समय में कई सिटीज़ कोचिंग हब बन चुकी हैं, जैसे कि दिल्ली। आपको पता है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तीन पिलर्स हैं। पहला है मार्केटिंग, दूसरा है मनी और कोचिंग, थर्ड है मोटिवेशन। पहला है मार्केटिंग। मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि बच्चों और पेरेंट्स को UPSC क्लियर होने का एक सपना दे देते हैं, और वो सपना चाहे क्लियर हो चाहे ना हो। रोमन सैनी, जिसने 2013 में UPSC में 18th रैंक अचीव किया था, उसका खुद का कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ायदा सिर्फ 10% बच्चे ही उठा पाते हैं, 90% बच्चों का कभी भी एग्ज़ाम क्लियर होता ही नहीं है। उसका रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के पार्ट में बताया, कि वैकेंसीज जो होती हैं सरकार जो पीछे से निकालती है वो बहुत ही कम होती है। अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बच्चा थोड़ी ना पढ़ता है, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, और एक बच्चे की फ़ीस 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की होती है यदि वो सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। अब मान लो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको अलग अलग से फ़ीस देनी पड़ती है। अब एक बच्चा 1.5 लाख दे रहा है तो 10,000 बच्चे कितने दे रहे होंगे? 10,000 × 1.5 लाख करके आपके स्क्रीन पर ये रकम मिल जाएगी। तो ये है पहला तरीका मार्केटिंग का। देखो, मार्केटिंग पॉजिटिव तरीके से कई बार तो ये करते हैं, उसके साथ कई बार गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो UPSC एस्पिरेंट्स के बच्चे इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते नहीं हैं, उनका नाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे UPSC एस्पिरेंट्स ने इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। जैसे कि टीना, जिसने 2016 में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पहली अटेम्प्ट में फोड़ दिया था ना, उसने बताया कि बाद में मेरा नाम दूसरे इंस्टीट्यूट वाले दूसरे बच्चों को कन्विंस के लिए कर रहे हैं कि ये देखो, ये लड़की ने हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा, इसी की वजह से आज ये पहले अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को फोड़ पाए। यदि आपको भी ऐसा करना है तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना होगा। ये सिर्फ पहला केस नहीं है, यदि आप और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स पर देखोगे आपको हज़ारों ऐसे सेम केस मिल जाएंगे। फिर दूसरा तरीका आता है मनी और कोचिंग करना। इसका मतलब ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने एक बार बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में ले आए, उनको टिकाना भी तो है, उनसे पैसे भी तो कमाने हैं। इसके लिए वो, मान लो दो इंस्टीट्यूट हैं, एक इंस्टीट्यूट है ए, एक इंस्टीट्यूट है बी। ए इंस्टीट्यूट में एक टीचर बहुत अच्छा है, जिसके लिए ही बच्चे इंस्टीट्यूट जाते हैं उसे पढ़ने के लिए।
तो वो दूसरे बी इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, उस टीचर को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफर करते हैं। मान लो कि ए इंस्टीट्यूट में उसकी सैलरी है 2 लाख, तो उसको डबल देंगे, ट्रिपल देंगे, यदि हो सके तो 4 गुना भी कर देंगे। तो ऐसे करते करते उस स्टार टीचर को ए इंस्टीट्यूट से बी इंस्टीट्यूट में ले आएंगे। इससे फ़ायदा किसका होगा? बी इंस्टीट्यूट का। ऑब्वियसली जो बच्चे उस स्टार टीचर के लिए ए इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वो बी इंस्टीट्यूट में भी भाग आएंगे। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है उसे हम पोचिंग बोलते हैं। आपने काफ़ी बार YouTube पर देखा होगा कि काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं इसीलिए लड़ते होते हैं क्योंकि वो दूसरे इंस्टीट्यूट को छोड़कर तीसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऐसे काफ़ी सारे केसेस में देखा भी गया है कि जैसे कि हम बायजूस की एग्जांपल लेते हैं, बायजूस ने जो डिफेंसिव ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनको हायर किया ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी बात है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि किस तरीके से हर एक चीज़ होती है। फिर तीसरा तरीका आता है मोटिवेशन। अब जो चीज़ रह जाती है ये मोटिवेशनल स्पीकर्स पूरी करते हैं, इस तरीके से बच्चों के अंदर जोश भर देते हैं, कोई ना पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ सेकेंड अटैम्प्ट में हो जाएगा, सेकेंड में नहीं हुआ थर्ड में तो पक्का ही हो जाएगा। वो तो ये चीज़ बोल देते हैं कि हिम्मत करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। अब मुझे नहीं समझ आता कि वो हिम्मत कब तक चली जाती है, क्योंकि बच्चे की आधी उम्र 26 से लेकर मान लो 25 तक उसकी एज ये अटैम्प्ट निकालते में ही निकल जाती है, वो हिम्मत पता नहीं कब आएगी कि कब उसका रैंक क्लियर होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमेशा मोटिवेशन के साथ नहीं चलना चाहिए, थोड़ी सी हार्डवर्क थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर की बात मत सुनो, सुनो उससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है। आप एक बार इस वीडियो को देख कर मान लो मोटिवेशन ले लोगे, कुछ ही समय बाद फिर से डीमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर वो मोटिवेशन कहाँ गए? तो इसलिए थोड़ा सा हार्डवर्क और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब आखिर में एक सवाल आता है हमारे पास कि अगर हमसे एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो क्या हमें फर्दर एक और अटैम्प्ट देना चाहिए या नहीं? तो अपने आप से ये 2 सवाल पूछ लो। पहला, क्या हमें आगे एक बार और बढ़ना है? हमें अपना एक और साल लगाना है, और यदि मैं अपना एक और साल लगाता हूँ या लगाती हूँ तो क्या सच में उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या कम है? दूसरा, नहीं यार मैं थक चुका हूँ, पेरेंट्स के चक्कर में मैंने ये एग्ज़ाम कर लिया, अब मुझसे और नहीं होगा, मेरी एज पहले से इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आगे मुझे अपना करियर भी शुरू करना है, फैमिली भी शुरू करनी है। तो ये कहानी 2 मिनट रुक कर सुन लो। ये कहानी है UPSC एस्पिरेंट आदित्य उन्नीकृष्णा की, जो कि आज रिसर्च एसोसिएट है, सेंटर में बैठकर पॉलिसीज की रिसर्च करता है और उसको बनाता है। उसका कहना है कि उसने बहुत सारे अटैम्प्ट दिए थे UPSC क्लियर करने के लिए, फाइनली जो काम आज वो कर रहा है पॉलिसी रिसर्च में जो काम कर रहा है उसमें जो उसके पास फ्रीडम है ना, वो फ्रीडम शायद यदि वो सिविल सर्विस ऑफिसर बन भी जाता तब भी नहीं आनी थी। आज उसके पास एक स्किल है, आज उसके पास एक करियर है, आज उसके पास एक फ्रीडम है कि वो कोई और काम कर सकता है यदि वो इस काम को छोड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में UPSC ही करना है, यदि नहीं हो पा रहा आपकी एज हो चुकी है तो इट्स बेटर कोई और चीज़ कर लो। यदि आप सच में सीरियस हो कि हाँ मुझे करना ही है तो आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोक रही हूँ या फिर मैं आपको कोई गलत एडवाइस दे रही हूँ। दूसरा चीज़, UPSC एग्ज़ाम के साथ साथ आपको एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। मान लो कि आप साथ में कोई स्किल सीखते से हो, उस स्किल का आपको फर्दर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आज एक डिजिटल एरा है, उस एरा में आपकी वो स्किल बहुत हद तक काम आएगी। अब वो अपने आप में ढूंढनी पड़ेगी कि वो स्किल कौन सी है, उसके लिए आप रिसर्च करो, थोड़ा सा एक स्पेयर टाइम होता है उसमें ढूंढो, तो इससे आपको फर्दर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लास्टली मैं आपसे एक सवाल है मेरा आपसे कि आपकी जर्नी UPSC एस्पिरेंट के फॉर्म में कैसी रही है वो मुझे कमेंट्स में बहुत हद तक शेयर करना, क्योंकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज्ड, उसमें एक कोटा के स्टूडेंट ने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स रियलिटी में उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं वो कैसे सफ़र करते हैं। ऐसा होता है कि कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें न्यूज़ आर्टिकल में नहीं दिखाई जाती, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाती। वो जर्नी आप शेयर कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि फर्दर जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखते हैं वो कमेंट्स में जाकर उस जर्नी को अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और वो भी उनसे कुछ लेसन्स ले पाएँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय।